या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विवेकानंद सागर सती के कवि से शिक्षक सम्मेलन में पधारे हुए आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय डॉक्टर बजरंग जी, सम्माननीय व्यास जी और इस संस्थान के उत्थान में मेरे सहयोगी बनकर के हरदम मेरे साथ चलने वाले बाबा बस्तनाथ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मार्कंडे आहूजा पधारे हुए सतीश जी और विवेकानंद सागर सती को अपने कंधों पर बहुत ही जोश और उल्लास के साथ पूरे देश में बहुत ही जोश और उत्साह के साथ और युवाओं में एक शक्ति का संचार करते हुए हमारी ऐसी बहन पधारी हुई बहन अलका जी, इस सम्मेलन में आए हुए समस्त सम्माननीय शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, मैं एक दो बात कहकर के और बजरंग जी के बीच में और आपके बीच में बाधा नहीं बनूंगा। दक्षिण भारत का तमिलनाडु का प्रदेश और उसके एक छोटे से गांव में पैदा हुए महान गणितज्ञ रामानुजम, और वो बहुत प्रतिभा के धनी, गणित के मामले में तो थे लेकिन अन्य विषयों में वो कोई बहुत विशेष प्रतिभा के धनी नहीं थे। मुश्किल से मैट्रिक पास की और एक कलर्क की नौकरी मिली, लेकिन रामानुजम जो है गणित के मामले में अति माना था और जब वो घर परिवार पालने के लिए कलर्क की नौकरी की तो आसपास के लोग जब उसकी उस प्रतिभा को गणित जैसी भी चर्चाएं होती देखते सुनते तो किसी ने उनको कहा कि इस युग में सबसे जो है बड़े गणितज्ञ हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हार्डी, आप उनको एक पत्र लिखो, आपकी इस प्रतिभा का सदुपयोग होना चाहिए। तो रामानुजम ने जो है जमैती की जो है एक कागज पर बहुत सी सूचनाएं लिख करके प्रोफेसर हार्डी के पास भेजी और उनको देख करके प्रोफेसर हार्डी आश्चर्यचकित रह गए और अपने आप को बच्चा समझने लगे गणित के बारे में और उन्होंने रामानुजम को बुलाया और उससे चर्चा की, पूछा कि ये ज्ञान आपको कहां से प्राप्त हुआ। तो रामानुजम ने कहा कि मुझे कुछ विशेष मालूम नहीं, मैं किसी संत के यहां जाता था और उन्होंने बहुत छोटी सी मुझे विधि सिखाई और मैं जब भी अपनी दोनों आंखों के बीच में ध्यान केंद्रित करता हूं और गणित के बारे में सोचता हूं तो मुझे जो है ये अनायास प्राप्त हो जाती है, मैं किसी दूसरे लोक में चला जाता हूं। और उनकी प्रतिभा ऐसी थी कि उनसे कितना ही बड़ा प्रश्न पूछे उधर प्रश्न जो है पूछना शुरू करते थे उधर उत्तर आना शुरू हो जाता था। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए कि उनके जांचने में 6-6 घंटे लग जाते थे कि ये उत्तर ठीक है या गलत है, लेकिन उत्तर देने में
एक सेकंड भी नहीं लगती थी। तो भारत का जो आध्यात्म ज्ञान है उसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरी घटना अमेरिका की है, 1905 में एक एडगर काइसी नाम का व्यक्ति हुआ, 1945 में उसकी मृत्यु हुई। किसी चोट की वजह से रीढ़ में उसको चोट आई और वो बेहोशी, गहन बेहोशी में चले गए और डॉक्टरों ने लाख इलाज किया लेकिन होश में नहीं आए, बेहोशी टूटी नहीं। और डॉक्टर बड़े चिंतित हुए कि अब 2-4-5 घंटे में इस व्यक्ति का देहांत हो जाएगा, मस्तिष्क के तंतु बहुत तीव्र गति से टूटते हुए जा रहे हैं, इसको बचाया नहीं जा सकेगा, और अगर ये बच भी गया तो इसके मस्तिष्क के तंतु इतने टूट जाएंगे कि ये विक्षिप्त जिंदगी जिएगा। और तभी एकदम से अनायास एडगर काइसी उसी बेहोशी में बड़बड़ाने लगा, बोला कुछ और कहा कि मैं इस तरह से एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था, मैं पेड़ से गिर गया और मेरी रीढ़ में चोट लगी है और फला फला दवाई जो है मेरे शरीर में बहुत तीव्र गति से जहर फैल रहा है, फला फला जड़ी बूटी को ढूंढ करके लाया जाए और मुझे पिलाया जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी बेहोशी टूट जाएगी। डॉक्टरों को बढ़ा और वो इतना कह करके फिर चुप हो गया। डॉक्टरों को बड़ा आश्चर्य हुआ लेकिन कोई उपाय ना, जब कोई भी उपाय काम नहीं करे तो अनायास कोई भी बात आ जाती है तो वो सोचते हैं कि चलो भाई इसको ही उपाय को करके देख लेते हैं, मृत्यु के सिवाय दूसरा कोई चारा तो है नहीं। वो जड़ी बूटी वो लेकर के आए और एडगर काइसी को पिलाया गया और वो बेहोशी से बाहर आ गया। उसके बाद एडगर काइसी ने अमेरिका में लगभग 40 वर्ष वो जिंदा रहा। 1905 में बेहोश हुआ, 1945 में उसकी मृत्यु हुई और मृत्यु पर्यंत उसने जो असाध्य से असाध्य रोग थे उनका इलाज किया और वह उसी उसको एक कुंजी हाथ लग गई कि जैसे ही वो जानने की कोशिश करता और एक बेहोशी सी में चला जाता और उस वक्त उस बेहोशी में वो अनेकों दवाओं के नाम बताता और जिस भी मरीज को वो दवा दी जाती वो ठीक हो जाता। तीसरी घटना मैं कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित है। ट्रेन में कहीं सफर में जा रहे थे, किसी व्यक्ति से वो कोई अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, कहा कि मुझे श्रीमान ये पुस्तक पढ़ने के लिए दोगे। करीब 125-150 पृष्ठ की वो पुस्तक थी। स्वामी जी ने पढ़ी पुस्तक और पढ़ करके अपने ही पास रखी। वो संभ्रांत व्यक्ति कुछ देर बाद कहने लगा कि स्वामी जी मेरी पुस्तक मुझे लौटाने की कृपा करेंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि पुस्तक तो ये मेरी है, आपकी थोड़ी है, ये हाथ धो गई है तो आप सन्यासी होकर के ऐसी बात करते हैं। पुस्तक जो है अभी आपने मेरे से मांगी कि अच्छा ऐसा है तो आपकी पुस्तक तो बताइए जरा इसमें क्या लिखा हुआ। और यही है कि मैं बता देता हूं कि इसको पूरी को इस 125-150 पृष्ठों को मैं सीधा नहीं आपको उल्टा पढ़ करके सुना देता हूं। यानी अभी जो डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जो मन के एकाग्र चित्त की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ योग में पहला ही श्लोक कहा है पतंजलि ने, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, कि चित्त की जो वृत्तियां हैं, क्योंकि चित्त जो है उसका स्वभाव है वृत्तियों में डोलना। हम लोग जो है बहुत एकांत में शांत बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं लेकिन हम लोग पता नहीं कहां कहां। यानी हमारे यहाँ एक सम्मोहन विज्ञान है, योग का एक बहुत छोटी सी क्रिया है और व्यक्ति उसमें जाकर के अपना पूर्व जन्म तक भी देख सकता है अगर प्रैक्टिस करे और उसमें चले। आज की जो शिक्षा पद्धति है और जिस प्रकार के हमारे शिक्षक रहे हैं पूर्व में, आज जो शिक्षक है वो हम लोगों को सूचनाओं से तो अवगत करा देता है लेकिन जिस बात के लिए हमारा
धर्म हमारा समाज हमारा देश हमारी संस्कृति जानी जाती है उनसे आज हम कोसों दूर हो चुके हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत पुरानी बात नहीं, हमारे सामने की बात है। आज से 25-30 बरस पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था मोबाइल फोन की। किसी को कहें, सबने देखा कि किस तरह से हम लोग ट्रंक कॉल मिलाते थे, उसको घुमाते थे, मिलाते थे सारा सारा दिन, एक एक जगह जो है फोन बड़ी मुश्किल से मिलता था, बड़ी मुश्किल से बात होती थी। फैक्स मशीन है, हम यहाँ कोई कागज लगाते हैं और हजारों मील पे वो कागज यूं का ही निकल जाता है। ईमेल है, हम यहाँ चाहे लाख पृष्ठ की ईमेल करें विश्व में हम कहीं भी निकाल लेते हैं। कौन आज से 30-35 वर्ष पहले इन बातों को मानता था। इसी प्रकार से हमारे जो शास्त्रों में जो चीजें हैं कि पुष्पक विमान का वर्णन है, जब तक विमान का आविष्कार नहीं हुआ था कौन मान सकता था, उनको सब यही मानते थे कि ये सब चीजें वेदों की पुराणों की उपनिषदों की कपोल कल्पित हैं और कहानियां हैं स्टोरीज हैं। लेकिन जो जो ये हमारे सामने प्रत्यक्ष होती गई, अब कल्पना करें आज अगर तृतीय विश्व युद्ध हो जाए सृष्टि की और इस सभ्यता की क्या दुर्गति हो, और उसके बाद अगर कुछ बचे और वो आने वाले समय में ये कहें कि इस तरह से उपग्रह होते थे, चंद्रमा पे जाते थे, मंगलयान पे जाते थे, इस तरह के फोन थे, रैकेट थे, इस तरह के जो है हथियार थे, इस तरह की जो है सब सामग्री उपलब्ध थी, कौन मानेगा, वही कपोल कल्पना है। तो भारतीय अध्यात्म जो है व्यक्ति के अंदर जो उसका आत्म बल है उसको जगाता है। बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने के गीता का दूसरा अध्याय जिसको हम विषाद योग कहते हैं कि अर्जुन डिप्रेशन में चले गए थे और वही अर्जुन है ये जो पूरे महाभारत का हीरो है, उसका नायक भगवान श्री कृष्ण उसको जिस तरह से स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि तुम सिंह बनो, तुम भेड़ नहीं हो सिंह हो, और वही सारा का सारा दूसरा जो विषाद अध्याय है कि भगवत गीता में कि अर्जुन तो कायरों की भांति बिल्कुल विषाद में डूब गया था, डिप्रेशन में चला गया था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरे सगे संबंधी हैं और सबके साथ मैं युद्ध करके और राज्य मिल भी गया तो क्या करूंगा। और उस वक्त भगवान उनको बताते हैं कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। आज हम कह देते हैं ये हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म, धर्म नहीं है ये संप्रदाय, ये जीने की। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी हमारे यहाँ आदेश आ चुका है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, वे ऑफ लाइफ जीवन जीने की पद्धति। धर्म तो सनातन है, सदा है और सदा रहेगा। धर्म का भी जो धर्म और रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए हमारे यहाँ जो शिक्षा थी वो इस प्रकार की थी कि हम लोग उसमें दया है, दान है, सहनशीलता है। हम आज देखते हैं कि इस पृथ्वी पर अमेरिका से बढ़कर के भौतिक सुख सुविधाएं, विज्ञान का इतना जो है प्रचार और प्रसार इस धरा पर कहीं नहीं, लेकिन जितने हम लोगों को सुविधाएं और जो है सुख उपलब्ध होते चले जा रहे हैं, हम जो है विचलित हैं, दुखी हैं, अराजक हैं। ऐसा क्या है, अगर इनमें ये सब चीजें हो, भौतिकता में अगर सुख हो तो फिर सबसे सुखी होना चाहिए अमेरिका, लेकिन नहीं है। और हमारे यहाँ आज से हम सुनते हैं बड़े बूढ़ों से भी, और आज हम लोग अनुभव भी करते हैं कि जो जो जहां जहां हम लोग आधुनिक की दौड़ में अपने आप को झोंकते चले जा रहे हैं, आज का युवा उसी प्रकार से अराजकता में डूबता जा रहा है। हमको मालूम नहीं है हम कहां जा रहे हैं। तो शिक्षा मैं तो हर जगह कहा करता हूँ, ये एक श्लोक जहां भी जाता हूँ यहाँ भी अनेकों बार कहा है कि भाई नास्तिक अंशमो व्याधि नास्ति मौसमो ऋतु नास्तिक रोत्समो वही नास्तिक ज्ञानात् परम सुखम। शिक्षा वही है कि जो ज्ञान उत्पन्न करे, और ऐसा ज्ञान कि जो हमारे अंदर के अंधकार को, अज्ञान को और अहंकार को मिटाए। आज हम लोग
बहुत सूचना एकत्रित करके और अपने आप में अहंकारी होते जा रहे हैं, और अहंकारी व्यक्ति निश्चित रूप से पतित होता है। बिल्कुल ये अकाट्य बात है, अकाट्य सत्य है कि अहंकार जो है, हमारे अध्यात्म में कहा है कि अहंकार भगवान का भोजन है। यानी रावण का उदाहरण हमारे सामने सबसे बड़ा है कि इतना विद्वान जिसके पास सब कुछ था, चाहे भौतिक सुख देख लीजिए, निबंधन आध्यात्मिक जो आ सकती है, अभी रावण के पास इतनी ज्यादा थी कि किसी के पास नहीं थी। तो आज आवश्यकता इस बात की आज की शिक्षा में कि हमारे जो नैतिक मूल्य है, हमारी संस्कृति जो भी आज अमेरिका उसने देख लिया कि इस भौतिक दौड़ में कुछ नहीं रखा, परिवार टूट गए, व्यक्ति अपने आप से भाग रहा है, कोई व्यक्ति हसन फकीर के पास गया और उन्होंने कहा कि मुझे जो है आप कुछ देर के लिए अपना चोगा दे दीजिए, मैं बड़ा अराजकता में और बड़ी मेरा चित्त जो है बहुत उद्वेलित है, और हे परवरदिगार आप अपना चोगा दो, मुझे सुख शांति मिले। तो उस वक्त हसन फकीर ने कहा कि कोई स्त्री के कपड़े पहनने से कोई पुरुष पुरुष बन जाता है क्या, या पुरुष के कपड़े पहनने से कोई स्त्री जिस प्रकार से पुरुष नहीं बन सकती, उसी प्रकार से मेरा चोगा मंत्र पहन लेने से तुमको ये अराजकता खत्म थोड़े ही हो जाएगी। अराजकता खत्म होगी कि अपने चित्त को जो व्यक्तियां हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, प्रीति है, इन सब से जो है मन को एकाग्र करके। और हमारे यहाँ तो गोरखनाथ जी ने कहा है कि यौमन शक्ति यौमन शिव यौमन पांच तत्व का जी यौमन ले जे उन्मन रहे तो तीन लोग की बाता कहे। यानी मन की एकाग्रता का सवाल है, और एकाग्र मन हम आम दैनिक कार्यों में भी बोलते हैं कि कोई भी काम है भाई जरा थोड़ा ध्यान से करना। ध्यान क्या है? सजगता, साक्षी भाव, जागरूकता। यानी कोई भी काम हम करते हैं, सांसारिक काम ही करें चाहे, इसमें भी हम यही कहेंगे कि अरे जरा ध्यान से करना, गलत ना हो जाए। तो जीवन में ध्यान शिक्षा के साथ साथ हमारे जो आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य थे, आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम पश्चिम से तो उनका जो भौतिक ज्ञान है वो ले, और अपने जो हमारी जो थाती रही है धार्मिक आध्यात्मिक, हमारी संस्कृति जिस बात के लिए इस पूरे विश्व में जानी जाती है, उनको छोड़े ना। यानी एक पैर से यात्रा नहीं हो सकती और दोनों पैर एक साथ नहीं उठा सकते। दूसरी दृष्टि से मैं कहूं तो कि एक पैर से ही यात्रा होगी, लेकिन दोनों पैर होते हुए एक पैर से ही होगी। अगर हम दोनों पैर एक साथ उठाएंगे तो गिर पड़ेंगे, हम यात्रा नहीं कर पाएंगे, चोट खा जाएंगे। लेकिन बहुत सजगता के साथ, बहुत पहुंच के साथ हम लोग जो है एक एक पैर उठाए, और जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म आध्यात्मिकता होगी वही जो है वो एक एक पैर को हमको वो शक्ति वहां से ही प्राप्त होती। आज की शिक्षा हमको बहुत सुविधाएं दी हुई है, बहुत। आज से करीब 30-40 साल पहले हम लोगों को पुस्तकें नहीं उपलब्ध होती थी, आज इंटरनेट पे हम सूचना, यानी एक ऐसा पैर हमको मिला हुआ है ज्ञान का, उसका सदुपयोग करें, लेकिन दूसरे पैर के जो है वो साथ साथ उसको भी ले रखें कि आध्यात्मिकता के इसमें दायरे में रहते हुए और उसका सदुपयोग करें सकारात्मकता के साथ। नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए, इसीलिए हमारे यहाँ यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि के यम और नियम में यही कहा था कि सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह सोच संतोष तप स्वाध्याय स्मर प्राणी ध्यान। यानी पांच यम और पांच नियम, ये एक एक चीज से हम लोग भारतवर्ष जो है वेदांत के ज्ञान की वजह से इस पूरे विश्व में जाना जाता था कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, देखो कौन हो तुम। हमारे यहाँ गोरखवाणी में भगवान गोरक्षनाथ जी ने शुरुआत में ही कहा है कि शून्य में बस्ती अगम अगोचर ऐसा। यानी उस ईश्वर को हम लोग कह नहीं सकते,
पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं, और बताया कि वो अगम्य है, वो इन इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, वो अगोचर है। यानी चाहे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच जो है कर्मेंद्रियों के, इनके एक एक पांच तत्व है, पृथ्वी है। जिस प्रकार से मुझे स्वामी जी के जीवन का एक उदाहरण मैं पेश करके और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हमारे बीच में आर्थिक जगत के बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही समझदार और यथार्थ रूप में जो कि जिस चीज की आज आवश्यकता है भारतवर्ष को, ऐसा मंथन करके, अपना चिंतन करके और ऐसा यथार्थ नवनीता हम सबके समक्ष रखने वाले आदरणीय बजरंग जी आए हुए हैं, उनके उद्बोधन सुनेंगे, हम सब उससे लाभान्वित होंगे। स्वामी जी जिस वक्त रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में गए और उस वक्त उन्होंने कहा कि आपने ईश्वर को देखा है, सबसे वो यही प्रश्न करते थे, और उन्होंने कहा कि हाँ देखा, तुम भी देखना चाहते हो। तो ईश्वर स्वामी जी उनसे पहले ऐसा समझते थे जिस तरह से कि व्यक्ति से व्यक्ति मिले, उनसे बात करें, उनसे पूछो। तब उन्होंने कहा कि ईश्वर अनुभव करने की चीज है, उसको जीवन में उतारो, उसको अपनी जीवन पद्धति का, अपनी जीवनचर्या का अंग बनाओ। और स्वामी जी को छू देते हैं और वो देखते हैं कि संपूर्ण जगत जो है बिल्कुल से सुकड़ता हुआ आ गया, और वो देखते हैं कि एकदम से बेहोशी की हालत में जाते हैं, और क्या ये चांद और तारे और ये पांचों तत्व और वो सब बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। तो ये विश्व जो है क्रिएटिविटी, यानी ये तो हमेशा क्रियाशील है, प्रकृति हमेशा पुरुष और प्रकृति के संयोग से ये सृष्टि रची गई है। हम लोग शास्त्रों में पुरुष भगवान शिव को मानते हैं, पार्वती माँ को हम लोग प्रकृति मानते हैं, और उन्हीं से सृष्टि के आदि काल में ये सब उत्पत्ति होती है। तो हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्वरूप रहा है वो बहुत सकारात्मक, हमारी सभ्यता और संस्कृति, चाहे वो दया है, चाहे दान है, चाहे आपसी मेरी मिलाप है। गांव में हम लोग देखते हैं कि कितनी सुखी लोग रहते थे, और जो जो आजकल की सूचनाएं जहां जहां पहुंचती जा रही है, आदमी बड़ा व्यथित है, बड़ा दुखी है। तो आज आवश्यकता हमको उन्हीं मूल्यों को जीवन में उतारते हुए आज की जो आधुनिक युग की जो हम लोगों को सब सुख सुविधा मिली हुई है, उसका उपभोग करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। और आसपास कहीं भी हो, सबकी जो है मदद करनी चाहिए, कोई भी असहाय है, पीड़ित है, दुखी है। इसीलिए गीता में भगवान ने एक पूरा 16वां अध्याय दान की महिमा इसीलिए कही है कि मेरे पास जो भी कुछ है मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद एक्सेस है। ऐसे तो पूरे संसार का तो कोई भी दूर नहीं कर सकता, लेकिन जितना उस पर एक्सेस है उसको जरूरतमंदों के हिसाब से लगाएं, और आप देखेंगे कि आप दूसरे को सुखी करेंगे। ये संसार का प्रकृति का नियम है कि आप अगर पत्थर पे दीवार पे गेंद को फेंकेंगे तो वो आपकी तरफ ही आएगी, आप दूसरे को दुख दोगे तो घूम फिर के आपकी तरफ ही आएगा। बड़े दया की उसमें हम लोग कहते हैं, करेगा सो भरेगा, खोदेगा सो बढ़ेगा। यानी क्या हुआ, सत्कर्म कभी ना कभी हमारे सामने ही आएगा, हम दूसरे को सुख देंगे, हमको सुख मिलेगा, लेकिन ये करने से, और तभी हम लोगों को पता चलेगा। हम लोग दूसरे के दुख से दुखी खाली शब्दों से ना हो। छोटी अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि परमहंस रामकृष्ण बैठे हुए तो चिल्लाने लगे, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। किसी ने पूछा क्या हुआ, गाय को मार रहे थे कोई पास नहीं पार्क में, उन्होंने कहा कि ये मेरी पीठ उगाड़ के देखो, तो उनके वहां लटके डंडे के निशान मिले, कैद के निशान मिले। किसी ने पूछा ये हुआ कैसे, कहा कि समान अनुभूति, यानी जैसी अनुभूति मुझे होती है दूसरे को वही मुझे हो सकता है, लेकिन आदमी इतने प्रेम में,
इतने समर्पण में, इतने सहयोग में उतरे कभी हो सकता है। ये खाली शब्दों के माध्यम से नहीं होगा, इसलिए अपने आचरण में, अपने जीवन में उतारे। मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ। और आप सबके भीतर बैठी हुई परम सत्ता को नमन करते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ। कौन सा नहीं सकता।